talking about is the magnanimity of the entire book fair. If you'll have a look into this Bharat Mandapam, we are literally proud of the Indian languages. Art is being so established and being shown over here. Different language publishers are also here. We feel proud of our great leader of this world, this country, not only the country, world. Swami Vivekananda is here. And that inspiration is amongst us. Now we have got our friend, Mr. Gautam Das, who is also working on this language front, that India must have its own language. Bharat Varsh apni bhasha mein khada hona chahiye. Iske upar aaj apna dhanyavaad. थैंक यू धन्यवाद। आपने इस पूरा जो फेयर और जो भाषा के ऊपर काफ़ी अच्छा आपने चर्चा की है। मैं सोच रहा हूँ कि जो भारतीय भाषा आंदोलन के तहत लोगों के ऊपर उसका प्रभाव इतना हुआ है कि बहुत सालों से मैं इस बुक फेयर में आता रहता हूँ। अभी एक नया जो परिवर्तन हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि जो भारतीय भाषाओं, अलग अलग जो राज्यों का भाषा और भारतीय जो हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी, ये दोनों न्याय के ऊपर भी और इतने न्यायालयों में भी जो भाषा के जो प्रभाव पड़ा है, अलग अलग राज्यों में जो उनकी अपनी भाषा है, जो न्यायालयों का जो जजमेंट के तहत भी जो आया हुआ है, उसको भी मुझे लगता है उसका जो प्रभाव पड़ा है, जो राइटर्स हैं वो डेफिनेटली आगे आए हैं और अपने लैंग्वेज में इस चीज़ों को रखा है। और नेचुरली विवेकानंद जी का तो हर एक राइटर्स, हर एक जो लीडर्स, हर एक अपने अपने क्षेत्र के जो नेतृवर्ग हैं, वो हर वक्त विवेकानंद जी को एज ए रोल मॉडल देखा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी के तहत अपने अपने लैंग्वेज का जो ज़्यादातर भाषाओं के किताबें आजकल जो मिल रहा है, ये प्रभाव हमारे भारतीय भाषा आंदोलन के प्रभाव का ज़रूर एक रूप है।